इसके लिए प्रॉपर बोटिंग एंटाइटलमेंट वगैरह करके, अब ये बोटिंग खुद मेंबर्स के द्वारा भी हो सकती है और प्रॉक्सी के द्वारा भी हो सकती है। तो क्या किया आपने एंटिटी, इसके लिए बोटिंग होगी, बोटिंग प्रॉक्सी के द्वारा भी हो सकती है, जनरल मीटिंग होगी इनकी, उनका रिजोल्यूशन पास होगा, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। लेकिन अगर अनलिमिटेड टू लिमिटेड करना है तो 75%, बाकी तो लिमिटेड टू अनलिमिटेड तो 100% पे भी नहीं होना, लिमिटेड टू अनलिमिटेड तो हो नहीं सकती, अनलिमिटेड टू लिमिटेड हो सकती है बशर्ते कि 75% मेजोरिटी हो जाए। क्लियर? तो ये हमारा सेक्शन 366 कहता है। ये सारे काम अगर हम कर दें तो सेक्शन 367 कहता है कि फीस लेके जो भी रिक्वायर्ड फीस है, फाइलिंग फीस होती है ना आरओसी की, हाँ, क्योंकि हर एक फॉर्म पे फीस जमा होता है, बिना फीस के कुछ होता नहीं। तो एक 367 के अंदर फीस लेके, फीस प्लस सारी फॉर्मेलिटीज के बाद, फीस और फॉर्मेलिटीज के बाद ये आपका 367 शुरू हो जाता है, फीस प्लस फॉर्मेलिटीज। ठीक है, फीस को दे दो, फॉर्मेलिटी दे दो, तो रजिस्ट्रार आपको दे देगा, रजिस्ट्रार क्या इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार दे देगा आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब आपकी जो अनरजिस्टर्ड कंपनी है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी और सारी जो प्रॉपर्टी है, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी जो अनरजिस्टर्ड फर्म की थी, अब वो रजिस्टर्ड फर्म की हो जाएगी। अनरजिस्टर्ड फर्म की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रजिस्टर्ड उसकी हो जाएगी, और जितनी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी होगी वो भी सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लायबिलिटी, एग्जिस्टिंग लायबिलिटी भी असेट भी ट्रांसफर हो जाएंगी, बेस्ट हो जाएंगी, और लायबिलिटी भी ट्रांसफर हो जाएंगी, और साथ ही साथ जो भी लिटिगेशन होंगे, केस होंगे अगेंस्ट कंपनी, वो ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन कुछ इंडिविजुअल पे केस होंगे, इंडिविजुअल पर केस होंगे वो ट्रांसफर नहीं होंगे। ओके, कोई इंडिविजुअल पे केस चल रहे होंगे तो इंडिविजुअल साथों मिलके हो गए तो इंडिविजुअल वाले केस कंपनी पे नहीं आएंगे, लेकिन जो कंपनी वाले केसेस हैं वो सब ट्रांसफर हो जाएंगे। हाँ जी, बात समझ में आती है कुछ कुछ? हाँ जी सर, ये हो गया। उसके अलावा अब क्या होगा, अब ये हो गई कंपनी, अब क्या हो गई, कंपनी हो गई। अब जब कंपनी हो गई तो क्या होगा, 371 के अंदर
अब कंपनी एक्ट के ही प्रोविजन माने जाएंगे, कंपनी एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। 371 के अंदर कंपनी एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो बाकी सब हो जाएंगे, लेकिन जो टेबल एफ है वो नहीं एप्लीकेबल होगी। टेबल एफ केवल तब एप्लीकेबल होगी अगर स्पेशल रिजोल्यूशन, यानी बिना स्पेशल रिजोल्यूशन के भी टेबल एफ एप्लीकेबल नहीं होगी, बाकी सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं। ओके, अब एक ही चीज इसके अंदर और थी कि कंपनी के अंदर शेयर कोई फिक्स कैपिटल वगैरह होनी चाहिए। अगर वो पहले से, ये तभी होगी कि शेयर या फिक्स कैपिटल कुछ हो किसी फर्म में जिसको हम डिवाइड कर सकें। यदि पहले नंबरिंग उन शेयर्स की या हिस्से की नहीं है तो नंबरिंग इज नॉट नेसेसरी। हो जाए तो अच्छा है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। अदरवाइज शेयर्स की नंबरिंग होती है, नंबरिंग इज नॉट नेसेसरी। ओके, नंबरिंग नेसेसरी नहीं है। तो कौन कौन से एक्सेप्शन हो गए? नंबर वन टेबल एफ, दूसरे बाद में नंबरिंग जरूरी नहीं है, अब क्या है यदि बाइंडिंग अप होता है तो बाइंडिंग अप के अंदर जो रजिस्ट्रेशन से पहले वाली जो लायबिलिटी है उनके लिए भी मेंबर लायबल होंगे। ये नहीं कि भाई कंपनी रजिस्टर होने के बाद की लायबिलिटी, पुरानी लायबिलिटी के लिए भी बाइंडिंग अप पे, ठीक है। बाइंडिंग अप पर जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी रहेंगी, उसका वेवर नहीं हो सकता, उसका वेवर इज नॉट परमिटेड। ठीक है, तो इवन पुरानी के लिए भी लायबिलिटी रहेंगी। अब मान लो कंपनी अनलिमिटेड टू लिमिटेड होती है, क्या होती है, ये सब 371 ही चल रहा है, 371 पहले अनलिमिटेड थी अब लिमिटेड हो रही है, पहले थी अनलिमिटेड अब हमने क्या इसको लिमिटेड, अनलिमिटेड से लिमिटेड कर दिया। और इसके में हमने क्या किया, जब ये किया तो हमने नॉमिनल अमाउंट बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया नॉमिनल अमाउंट, और बाइंडिंग अप पे जो मांगा जाता है वो नॉमिनल अमाउंट इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो वो तो चलेगा, लेकिन टू लेस ऑन बाइंडिंग ऑफ
ये नहीं चलेगा, ये वाली चीज हमारी नहीं चलेगी और ये हमारी बात चलेगी, चलेगी क्या, दौड़ेगी। ये थोड़ा सा 371 ये कहता है। अब आता है 371 ही चल रहा है कंटिन्यूस। 371 नेक्स्ट कहता है कि भाई जो पुराने एक्ट के अंदर कोई आर्टिकल्स है या रूल्स रेगुलेशंस है तो उनके हिसाब से जो पावर है उनका कोई अल्टरेशन नहीं होगा उन रूल्स का, लेकिन वो पावर्स नए एक्ट के डेरोगेटरी हैं तो हो जाए। यदि वो पावर उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट है नए एक्ट से तो उनको चेंज नहीं किया जा सकता, वो रहेंगी रहेंगी, लेकिन यदि डेरोगेटरी हैं तो किया जा सकता है टू कॉमेंसरेट विद द न्यू एक्ट। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे पार्टनरशिप डीड, एलएलपी डीड एटसेट्रा, जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके हिसाब से जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो डेरोगेटरी हैं, तब तो उनको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, लेकिन अगर वो खुद ज्यादा स्ट्रेंथन थे उनको अल्टर नहीं किया जा सकता। अब क्या होता है, ये कंपनियां जो हैं केवल इसलिए भी फॉर्म की जा सकती हैं कि भाई बाइंडिंग अप करना है, बाइंडिंग अप कंपनीज के केस में जरा कोर्ट वोर्ट से अलग प्रोसीजर से हो जाता है, तो ये बाइंडिंग अप के लिए की जा सकती है। लेकिन सेक्शन 372 क्या कहता है कि जो कोर्ट की पावर है, कोर्ट की पावर है क्या, कोर्ट की पावर है स्ट्रे करने की और रेस्ट्रेंट करने की बाइंडिंग अप प्रोसीडिंग, तो वो जो पावर है कोर्ट की स्ट्रे और बाइंडिंग अप रेस्ट्रेंट करने की वो पावर इस केस में भी रहेगी, चाहे वो पुराने उसमें दिया हो या ना दिया हो रूल्स में, ये पावर कोर्ट की रहेगी जिस दिन ये रजिस्टर्ड कंपनी हो जाएगी और सूट स्टे भी किए जा सकते हैं कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये सारी पावर इसके अंदर कोर्ट की रहेंगी। अब रजिस्ट्रेशन से पहले क्या करना पड़ेगा, ये कहते हैं कि जब भी रजिस्ट्रेशन में यदि हमारे पे सिक्योर्ड कैरेक्टर होंगे एनओसी लेनी पड़ेगी, एनओसी फ्रॉम सिक्योर्ड कैरेक्टर्स, सिक्योर्ड कैरेक्टर्स से एनओसी लेनी पड़ेगी। ठीक है, कब लेनी पड़ेगी, प्रायर टू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन जब भी होगा यदि उस समय हमारे कोई सिक्योर्ड कैरेक्टर्स होंगे तो उनसे प्रायर टू रजिस्ट्रेशन आपको एनओसी देना होगा। ठीक है, पब्लिश करना पड़ेगा न्यूज़पेपर में एड कि भाई ये हमारी कंपनी जो अनरजिस्टर्ड थी या पार्टनरशिप में थी अब हम इसको रजिस्टर्ड कंपनी करने जा रहे हैं चैप्टर 21 के अंदर। और ये जो न्यूज़पेपर का एड है ये एक तो निकलेगा इंग्लिश लैंग्वेज में और एक वर्नाकुलर में, वर्नाकुलर और इंग्लिश दोनों के अंदर ये एड निकलेगा। ठीक है,
उसके बाद में फाइल किया जाएगा एफिडेविट कि भाई सभी मेंबर्स या मेजोरिटी रेडी है, ऑल और मेजोरिटी और साथ में ये सारे प्रोविजंस कंप्लाई करने होंगे, तभी हम लोग इस कंपनी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हमने समझा कि अनरजिस्टर्ड कंपनी का रजिस्ट्रेशन। अब ये जो अनरजिस्टर्ड कंपनी है, जब रजिस्ट्रेशन होगा तो अनरजिस्टर्ड कंपनी का वाइंडिंग अप भी होगा। तो तीन सेक्शंस 375 से लेके 378 तक चार सेक्शंस बताते हैं वाइंडिंग अप ऑफ अनरजिस्टर्ड कंपनी। अगर ये हो गया हो तो अब हम क्या करें, वाइंडिंग अप ले लें? हाँ सर, वाइंडिंग अप ले लीजिए। तो अब हम लेते हैं वाइंडिंग अप ऑफ अनरजिस्टर्ड कंपनी। हाँ, इसको रिवाइज कराने की जरूरत है जो अभी तक हमने आपको समझा? नहीं सर, ये हो गया। अब आप बता दीजिए वाइंडिंग अप ऑफ अनरजिस्टर्ड कंपनी। अब हम बताते हैं वाइंडिंग अप ऑफ अनरजिस्टर्ड कंपनी सेक्शन 375, 376, 377 and 378। चार सेक्शंस के अंदर इस वाइंडिंग अप प्रोसीजर दिया हुआ है अनरजिस्टर्ड कंपनी का। तो बाइंडिंग अप में सेक्शन 375 कहता है कि कंपनी एक्ट 2013 के जो भी बाइंडिंग अप के जो प्रोविजंस हैं, दीज प्रोविजंस विल अप्लाई सेम टू सेम। ये सेम टू सेम अप्लाई होंगे एक्सेप्ट वॉलंटरी बाइंडिंग। जो वॉलंटरी बाइंडिंग अप है वो इस केस के अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, तो बाइंडिंग अप कब हो सकता है? कंपल्सरी हो सकता है। कंपल्सरी के लिए क्या होता है? कंपल्सरी तीन केसेस में होता है, नो बिजनेस, अनेबल टू पे, दैट्स एंड जस्ट एंड इक्विटेबल। यदि लगता है कोर्ट को भी जस्ट एंड इक्विटेबल, इन तीन केसेस के अंदर वाइंडिंग अप हो सकता है। अब ये नो बिजनेस है, ये बात समझ में आती है, जस्ट एंड इक्विटेबल है ये भी समझ में आती है, समझ लेंगे। अनेबल टू पे डेट्स हमको समझना है, कब अनेबल टू पे डेट माना जाएगा? यदि कोई क्रेडिटर्स 1 लाख से ज्यादा वाला, 1 लाख और 1 लाख से ज्यादा वाला क्रेडिटर्स ने नोटिस दिया 3 वीक्स तक ना तो आप उसको पे कर पाए ना कंपाउंड कर पाए, यानी 3 वीक्स तक ना कंपाउंड कर पाए ना पे कर पाए ना सिक्योर कर पाए। ओके, या कोई सूट फॉर रिकवरी है और उसके अगेंस्ट 10 डेज के अंदर आप पेमेंट नहीं कर पाए, या कोई आपके पास डिक्री पेंडिंग है, या किसी और रीजन से ये लगता है कि कंपनी अनेबल टू पे डेट्स, तो इन चार केसेस के अंदर, ठीक है,
क्या होगा, वाइंडिंग अप होगा, तो जिस तरह और कंपनियों का वाइंडिंग अप होता है इसी तरह वाइंडिंग अप होगा। अगर मान लो ये कंपनी फॉरेन कंपनी है, कंपनी फॉरेन कंपनी है, उसका भी बाइंडिंग अप में सेम प्रोसीजर लगेगा, यूं की त्यों लगेगा, कोई बाइंडिंग अप के प्रोसीजर में डिफरेंस नहीं आएगा। अगर वो फाइनेंस कंपनी है तब भी सेम प्रोसीजर से बाइंडिंग अप हो जाएगा। यदि कोई प्रोविजंस इसके अंदर हैं, तो वो इन एडिशन है, इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ बाइंडिंग अप, जो कंपनीज एक्ट 2013 में जो बाइंडिंग अप की प्रोविजंस हैं, उनसे इन एडिशंस हैं, उनके डेरोगेटरी नहीं है, नॉट डेरोगेटरी, उससे कम नहीं होंगे। प्रोविजन कोई एडिशन होगा उसको एडिशन कर लो, लेकिन उन प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, नॉट डेरोगेटरी। अब हम पढ़ते हैं, ये इसी के अंदर है 377। तो वहां की जितने भी हैं सेविंग ऑफ अदर, जो भी अदर डीड्स वगैरह किसी और एक्ट के अंदर बनी हुई है, पार्टनरशिप के अंदर, एलएलपी एक्ट के अंदर, ये सब की सेविंग हो जाएगी, सब कुछ इनके अंदर आ जाएगा। तो ये है आपका वाइंडिंग अप प्रोसीजर, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत तरीके से मैं आपको ये आपको चैप्टर कराया अनरजिस्टर्ड कंपनीज का। हाँ जी, इसमें हमने क्या क्या समझा, 366 के अंदर हमने समझा कि कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड हो, 7 आदमियों से ज्यादा हो, उसमें कुछ ना कुछ फिक्स कैपिटल हो, और वो कंपनी कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 1913, कंपनी एक्ट 1882, इन सब किसी भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड ना हो कि किसी और एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो वो जो एंटिटी है, वो एंटिटी हम इस चैप्टर के अंदर और इस चैप्टर के सेक्शन 366 को ध्यान में रखते हुए उसको, जबकि वो कंपनी नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको कंपनी ट्रीट करेंगे, लेकिन वो कंपनी होगी अनरजिस्टर्ड कंपनी, क्योंकि वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसी कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है कंपनी एक्ट में, ओके, बशर्ते कि वो लोग एक जनरल मीटिंग करें, उसके अंदर वोटिंग करें, प्रोसीजर ये है, प्रॉक्सी के द्वारा करें या किसी भी तरह करें, सिंपल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करें। लेकिन अगर अनलिमिटेड कंपनी, लाइबिलिटी वाली कंपनी लिमिटेड होना चाहती है, तो 75% मेजोरिटी चाहिए, यानी 3/4 मेजोरिटी चाहिए। हालांकि अगर वो लिमिटेड है, लिमिटेड से अनलिमिटेड नहीं हो सकती, लिमिटेड से लिमिटेड ही रहेगी, लेकिन अनलिमिटेड से लिमिटेड हो सकती है, बशर्ते 75% लाइबिलिटी हो। एक बार ये कंपनी बन जाएगी, इस पे वही प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे जिस तरह बाकी कंपनीज एक्ट पे होते हैं, ओके। अगर ये कहता है 366, जब वो फीस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पे प्रिस्क्राइब प्रोसीजर और फीस जमा करा देता है, तो 367 सेक्शन कहता है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक उनको सर्टिफिकेट इशू करेगा, और उसके बाद में वो एक रेगुलर कंपनी बन जाएगी। और सेक्शन 368 कहता है कि वो सारी प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाएंगी, यानी वो प्रॉपर्टी जो उस अनरजिस्टर्ड कंपनी की थी, वो सारी कंपनी उस रजिस्टर्ड कंपनी की मानी जाएंगी। इसी तरह जो सारी सेविंग हो जाए, सारी जो लाइबिलिटी है, 367(9) कहता है, सेक्शन 369 कहता है, जो लाइबिलिटी थी वो लाइबिलिटी भी नई कंपनी की हो जाएंगी, और जितनी लीगल रिकवरी, लीगल लिटिगेशन और रिकवरी प्रोसीडिंग चल रही थी, वो सारी प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहेंगी अगर वो कंपनी के खिलाफ है, अगेंस्ट है, या कंपनी के फेवर में।
लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल मेंबर्स के अगेंस्ट कोई लिटिगेशन प्रोसीडिंग चल रही है, वो इंडिविजुअल मेंबर्स के अगेंस्ट ही चलती रहेगी, वो कंपनी टेक ओवर नहीं करेगी। ठीक है, सारे प्रोसीजर्स इसमें एप्लीकेबल होंगे, लेकिन टेबल एफ एप्लीकेबल नहीं होगी। टेबल एफ तभी एप्लीकेबल होगी जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया हो। यदि पुराने शेयर होल्डर्स के पुरानी कैपिटल की कोई नंबरिंग सिस्टम नहीं है तो नंबरिंग भी एग्जेम्प्ट हो सकती है। चाहे तो हम नंबरिंग कर सकते हैं, अगर पहले नहीं है और फिर अभी भी हम नंबरिंग नहीं कर पाए तब भी कोई बात नहीं, तब भी चलेगा। जो लायबिलिटी रजिस्ट्रेशन से पहले है वो लायबिलिटी बाइंडिंग अप के टाइम पे भी कंसीडर की जाएंगी। ठीक है, और जो बाइंडिंग अप प्रोसीजर्स के अंदर जो लॉस होगा या जो है उन लायबिलिटी को वेव ऑफ नहीं किया जा सकता, वो सभी मेंबर्स को देनी होगी। यदि कोई अनलिमिटेड कंपनी से लिमिटेड बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? अनलिमिटेड से लिमिटेड बनाएंगे तो हम इंक्रीज कर सकते हैं नॉमिनल कैपिटल और लायबिलिटी जो करते हैं तो वो लायबिलिटी मानी जाएगी, लेकिन हम रिड्यूस नहीं कर सकते लायबिलिटी को। ठीक है, कोई भी जो पुराना आर्टिकल्स है रेगुलेशन है उसमें हम कोई भी अल्टरेशन नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो पुराना आर्टिकल डेरोगेटरी टू द न्यू कंपनी एक्ट है तो उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें इंस्ट्रूमेंट जिसके बेसिस पे ये होगी वो ट्रांसफर डीड हो सकती है, पार्टनरशिप डीड हो सकती है, गिफ्ट डीड हो सकती है, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP पार्टनरशिप सेटलमेंट ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। और भी रिवाइज कराना है? हाँ सर, करा दीजिए। तो 372 के अंदर जो पावर्स हैं कोर्ट की कि वो बाइंडिंग ऑफ प्रोसीडिंग को स्टे और स्टैंड करता है वो इस केस में भी रहेंगी। इसी तरह 373 कहता है कि जो सूट्स हैं जो कंपनी के वो रुक जाते हैं बाइंडिंग अप में, वो सेम चीज इस केस में भी रहेगी। इसके अलावा ये एक सेक्शन 374 है, उस 374 सेक्शन कहता है कि भाई जब भी ये कंपनी बनेगी, बनने से पहले एक तो जितने भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनका NOC लेना पड़ेगा तभी हम रजिस्टर करा सकते हैं, उसका एक हमको अखबार में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, एक इंग्लिश के अखबार में और एक वर्नाकुलर के अखबार में, ऑल या मेजोरिटी शेयर होल्डर से एफिडेविट लेना पड़ेगा कि भाई हम करना चाहते हैं, और भी कोई बाकी जितने कंपनी एक्ट के प्रोसीजर्स हैं उनको कंप्लाई करते हैं करना होगा। तो ये हमने बताया 366 to 374। उसके बाद में ये चार सेक्शन है 375, 376, 377 and 378 जो कहते हैं कैसे बाइंडिंग अप होगा। तो सेक्शन 375 कहता है कि जो बाइंडिंग अप के जो प्रोसीजर है वो सेम टू सेम रहेंगे, एक्सेप्ट के वॉलंटरी बाइंडिंग अप नहीं हो सकता, कंपल्सरी बाइंडिंग अप हो सकता है। कंपल्सरी बाइंडिंग अप 3 केसेस के अंदर हो सकता है, या तो कोई बिजनेस ही नहीं हो एंटिटी का, या फिर वो एंटिटी अनेबल टू पे डेट्स हो, या और कोई जस्ट एंड इक्विटेबल काज हो। अनेबल टू पे और डेट कब माना जाएगा? यदि 1,00,000 रुपए का कोई क्रेडिटर नोटिस देता है और 3 वीक तक उसका भुगतान नहीं होता, ना उसकी कंपाउंडिंग होती है ना वो सेटिस्फाई होता है, या कोई सूट के अंदर रिकवरी मांगी जाती है और 10 दिन तक के लिए अंदर भुगतान नहीं होता, या कोई डिक्री पेंडिंग है, या कोई और अदर जिससे कोर्ट को लगता है कि रीजन है कि द कंपनी इज अनेबल टू पे दैट, इन दैट केस द कंपनी मे बी वाइंड अप और ये बाइंडिंग अप हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें सेक्शन 376 कहता है यदि कोई फॉरेन कंपनी है तो उसमें सेम प्रोसीजर्स बाइंडिंग अप के लगेंगे। ठीक है, फॉरेन कंपनी है तो वो फॉरेन कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी कहीं भी रजिस्टर्ड है उसमें उसका बाइंडिंग अप इन्हीं के हिसाब से
अनरजिस्टर्ड कंपनी के हिसाब से बाइंडिंग अप किया जाएगा, तो वो भी कंपनी मानी जाएगी अनरजिस्टर्ड इन इंडिया, तो वो भी फॉरेन कंपनी भी अनरजिस्टर्ड कंपनी मानी जाएगी। ओके, जो बाइंडिंग अप के प्रोसीजर्स हैं 377 के, वो प्रोसीजर्स एडिशन होंगे, कोई डेरोगेटरी नहीं होगा। यानी जो प्रोविजंस कंपनी एक्ट में जनरल कंपनियों के लिए वो सब फॉलो होंगे, साथ ही साथ इसमें कोई एडिशनल चीजें हैं वो फॉलो होंगी, लेकिन कोई भी डेरोगेटरी नहीं होंगे। ये वाले जो प्रोविजंस हैं ये बाइंडिंग अप के रेगुलर प्रोविजंस को सुपरसीड नहीं कर सकते। और जितने इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो 378 कहता है कि पार्टनरशिप डीड इंस्ट्रूमेंट जो पुराने हैं उनके उन सब की सेविंग हो जाएगी और वो सब फिर एप्लीकेबल होंगे नहीं, और कंपनी विल बी लीगली एंटाइटल्ड टू डिजॉल्व। तो ये हमने पढ़ा वाइंडिंग अप प्रोसीजर, नए नोटिफाइड सेक्शंस है। अभी तक किसी भी किताब के अंदर, किसी भी लेक्चर्स के अंदर, कहीं भी आपको कोई भी टीचर इसको समराइज तरीके से ये चीजें अभी पब्लिक डोमेन में है नहीं, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िए। यदि ये आपके एग्जाम में आता है तो आपके लिए बड़ा त्रुप का पत्ता साबित होगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं मैंने बड़े प्यारे सरल शब्दों में आपको जो बताई हैं, यदि आप इतना ही एग्जाम के अंदर टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है तो मैं समझता हूँ इतना ही आप लिख सकते हैं, इससे ज्यादा इसको कंटिन्यू करना भी मुश्किल। ठीक है, तो ये हमारा हुआ अनरजिस्टर्ड कंपनी, जो नए नोटिफाइड सेक्शंस में फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, निधि कंपनी और एनसीएलटी, ये चार चैप्टर्स और नोटिफाई हुए हैं, उनको हम बारी बारी से आगे के लेक्चर्स में लेंगे। ठीक है, तो इसको जरा बढ़िया तरीके से करिए और नोट्स बनाते जाइए। हालांकि हम भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये जो आपने सुना इसको साथ ही साथ यदि आप अपने रजिस्टर पर लिख लेंगे तो एग्जाम टाइम पे आपको बहुत ही आसानी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।